प्रजातंत्र टीवी के संवाददाता सोनू सिंह कुशवाहा ने सुमावली विधानसभा में गांव-गांव जाकर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट निकाली और जाना सुमावली की जनता का मूड। क्या कहती है सुमावली की जनता, देखिए प्रजातंत्र टीवी पर। आपको बता दें कि 2018 के हुए विधानसभा चुनावों में सुमावली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी, वहीं बीजेपी से अजय सिंह कुशवाहा दूसरे नंबर पर थे। कांग्रेस विधायक एदल सिंह कंसाना के द्वारा इस्तीफा देने के बाद वह भाजपा में पहुंच गए और भाजपा से विधानसभा चुनाव लड़े। अजय सिंह कुशवाहा कांग्रेस में शामिल हो गए, चेहरा वही है, पार्टी बदल गई है। नमस्कार, मैं सोनू सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हो प्रजातंत्र टीवी। आपको ले चलते हैं मुरैना की सुमावली विधानसभा सीट पर, जहां थे बीजेपी प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री एदल सिंह कंसाना चुनावी मैदान में है और उनके सामने है कांग्रेस प्रत्याशी अजब सिंह कुशवाहा। आपको बता दें एदल सिंह कंसाना कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और कांग्रेस प्रत्याशी अजब सिंह कुशवाहा बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए हैं। नेता वही है, चेहरा वही है, बदली है तो सिर्फ पार्टी। जानते हैं सुमावली की जनता से क्या है जनता का मूड, क्या कहता है सुमावली की जनता। सागर रहने वाले हो, आपके क्षेत्र में उपचुनाव है, यहाँ से कांग्रेस बीजेपी बहुजन तीनों पार्टी मैदान में है, आप किस पार्टी को समर्थन करते हैं? कांग्रेस पार्टी। क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुशवाहा। दुकान कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। यही रोजगार है आपका? यही है। आपका? देवेंद्र कुशवाहा। आपका ये कैसी दुकान चल रही है? रोजगार में कुछ नहीं चल रहा है, इसलिए कुछ नहीं परेशान। 15 साल से बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी ने युवाओं कुछ नहीं मिला है, कुछ लाभ नहीं मिला है बीजेपी से, कांग्रेस ही सरकार से लाभ मिलता है मेरे को। इस बार कुछ नहीं मिला है। वोट करना चाह रहे हो? अजब सिंह को वोट देंगे हम इस बार, कांग्रेस को। इस बार क्या है सुमावली विधानसभा की जनता का मूड, किस प्रत्याशी को जीत दर्ज कराना चाहते हैं? सुमावली विधानसभा से तो अजब सिंह कुशवाहा जीतेंगे और वही जीत रहे हैं। वर्तमान में ये स्थिति है, एदल सिंह कंसाना जी है ना जो मंत्री हैं अभी, वो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं वोट, लेकिन जनता बिक नहीं रही है। तो आपके क्षेत्र के जो विधायक थे वो मंत्री हैं और हेडपंपा के पीएचसी विभाग के मंत्री हैं, क्या आपके क्षेत्र में कितना विकास किया उन्होंने? कोई बात नहीं है, विकास तो पहले 15 साल से विधायक रहते आए हैं, अभी बहुत बार विधायक रहे हैं, उस इतनी सालों से विकास क्यों नहीं हुआ था? अब तो उनको 35 करोड़ रुपए मिले हैं, बिक गए हैं, तो विकास वाली भी कुछ भी कर सकते हैं पैसे से, लेकिन जनता अभी सब होशियार हो गई है, कोई नहीं बिचेगा। और तो ऐसे नहीं है, वो तो एक आध जो लगवा रहे हैं तो सरकार की तरफ से लगे हैं, तो वो तो पता है उनको पहले वोट दिया है, वो नहीं बिकेंगे। क्या नाम भैया आपका? बंसीधर। आपकी दुकान कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। जीएसटी वगैरह से कुछ चेंजिंग आई थी आपकी दुकान में? चेंजिंग आई तो नहीं, और रुपया बर्बाद हो जाने जीएसटी दे दो। ये कोरोना काल चला था, परेशानी पूरी परेशानी आई कोरोना काल में। आप किसकी सरकार चाह रहे हो? आपकी बात, सरकार तो कांग्रेस की चाहेंगे, क्योंकि जनता ने पहले कांग्रेस को ही वोट किया था, कांग्रेस ही खराब है। कांग्रेस ने 11 महीने काम किया, कांग्रेस को पहले ही वोट किया था, लेकिन वो विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में जे के माने काम करा हुए, विकास कार्य नहीं करा, हाँ ना लाइट ना सड़क कछ ना करा। जो सीएम शिवराज का जो दौरा हुआ था सुमावली विधानसभा में, करोड़ों रुपए की सुमावली को वो दी थी सौगात, क्या ये धरातल पर भी ये काम देखने को मिलता है? सिर्फ वगैरह घोषणा करते हैं, सौगात दी जाती धरातल पर, तुम्हें दिख रही है सड़क वगैरह ये सब तुम्हें दिख रहा है, धरातल पर तो कुछ नहीं दिख रहा है। पेंशन मिलती है आपको? पेंशन मिलती है, कमल बाग शिवराज की सुबह में 300 रुपये मिलते थे, अब कमलनाथ आया है तब से 600 रुपये। क्या चाहती हो अगले चुनाव में, आप क्या चाहते हो कमलनाथ की सरकार बने? हाँ कमलनाथ की सरकार बने, और नाली काट पानी काट के लाने नाली चाहिए हमें, जेल रास्ता नहीं है, यहाँ कागज नहीं और कोई स्कूल भी नहीं है सरकार। आपके सुमावली विधानसभा से आज मध्य प्रदेश शिवराज कैबिनेट में मंत्री हैं, फिर भी विकास कार्य कुछ नहीं हुआ सुमावली में? मेरा नाम संजीव कुशवाहा है, मैं बागेश्वर चौबटा रहने वाला हूँ। कुशवाहा किस पार्टी के पक्ष में वोट कर रहे हैं? इस बार दमदार पार्टी है कांग्रेस, अजब सिंह कुशवाहा शेर है, दमदार ना बिका हुआ जुजारू कर्मठशील है, भले ही हारता आ रहा हूँ लेकिन अब की बार उनकी जीत होगी हमेशा,
पिछली 15 साल से मामा की जीत हो रही है, लेकिन हर एक सरकार एक काम होता है कि कुछ सबसे पहला काम होता है शिक्षा, बेरोजगारी और रोड और पानी, इनमें से हमारे गांव में कोई भी नहीं स्कूल है। स्कूल सबसे पहला काम होता है सरकार का, स्कूल शिक्षा की ओर अग्रसर होना। मध्य प्रदेश में विगत 15 वर्षों से बीजेपी की सरकार है, क्या शिक्षा देने में समर्थ नहीं है? नहीं है, समर्थ नहीं है। हमारे छोटे से गाँव में स्कूल नहीं बना हुआ भाई, तो सरकार प्रदेश में कोई कुछ भी नहीं किया है, हमारे गाँव में नहीं किया है, तो हमें कुछ भी नहीं है। यही है कि बस मामा ने जितने विधायक खरीदे उन, यदि ऐसा होता तो सबसे पहले सभी छात्रों को नौकरी दे देते, बाद में उनकी परीक्षा ले लेते, जिस प्रकार मंत्री खरीदे उसी प्रकार से। ऐसा क्यों नहीं किया 15 साल से? मुरैना की सुमावली विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव की जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की जानकारी लेते हुए आज पहुँचे हैं लालवास गाँव में। जानते हैं यहाँ के लोगों से कि क्या है इनका मत, किस पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? राम भरोसी कुशवाहा। कहाँ के निवासी हैं? लालवास के। लालवास के। जो होने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी को समर्थन देना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी को। आपका क्या मत है, किस पार्टी को आप समर्थन करोगे? नहीं भाई साहब, कांग्रेस का। कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस। आप? हम साहब कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेंगे, क्योंकि बीजेपी नोटों से विधायकों को खरीद लेती है, इसीलिए वो गद्दार पार्टी है। अब की बात फिर कमलनाथ जी की सरकार वापसी करेंगे। ये जो उपचुनाव में जो शिलान्यास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भूमि पूजन किया, क्या इसका डिफेक्ट थोड़ा सा जनता के बीच में पड़ा है कि हाँ पड़ा है? वो नकली है, जिम में नारियल लेके घूमते रहते हैं, पूरा उनका जो षड्यंत्र है, किसी का काम नहीं, कुछ नहीं। भूमि पूजन तो इनकी जेब में नारियल है, वे तो चाहता फोड़ देते, कोई विकास नहीं, कोई कुछ नहीं है। जनता। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम कृष्णा कुशवाहा, बाकी चौकटा ही रहने वाला हूँ। किस पार्टी को समर्थन देने वाले हो? इस बार हम कांग्रेस पार्टी को समर्थन देंगे, क्योंकि बीजेपी 15 साल से काम करती आ रही है, तो उसने अभी तक कोई विकास का काम नहीं किया है, और जो 11 महीने में कमलनाथ जी ने करके दिखाया वो 15 साल में हो नहीं पाया है उनके लिए। जो शिवराज सिंह चौहान हैं सीएम, जो मुख्यमंत्री के हैं, उन्होंने सुमावली विधानसभा को करोड़ों की सौगात दी, क्या लगता है आपको कि जनता को इसका फ़ायदा मिलेगा? जी बिल्कुल नहीं है, ऐसा लगता नहीं है कि उनको कोई फ़ायदा, हमें कोई फ़ायदा मिलेगा इसका। वो तो सिर्फ उद्घाटन करना जानते हैं, नारियल फोड़ना जानते हैं, बात बात काम डला रहे, उससे कोई फायदा नहीं पड़ रहा है। और जो सुमावली की रोड जो अभी यहाँ से क्या कहते हैं उसके लिए करे बाबा के लिए डाल दिए, वो खोद के डली है, कम से कम 1 साल होने पे आ गया, उसका काम पूरा हुआ नहीं अभी तक। वो तो नारियल फोड़ तो इससे पहले जैसे वोट खरीद हुई थी हाँ? तो उससे पहले तो कांग्रेस का प्रत्याशी विधानसभा में विधायक बन के पहुँचा था, फिर उसने काम क्यों नहीं करा पाया? कमलनाथ की सरकार रही एक साल दो महीने विकास हो रहा था, इसी वजह से उनको उस पद से हटा दिया गया था, मुख्यमंत्री के पद से उनको हटा दिया गया था। के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुई थी, जिसमें 22 विधायकों ने एक साथ इस्तीफा देकर सरकार को गिराया था, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में ये कहना है अपना कि इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की है। जिस जनता ने अपना मत दे करके विधायक को बनाया, वो विधायक पैसे के लालच में आकर के और अपनी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में पहुँच गए। जनता के अंदर इस बात का आक्रोश है कि हम दोबारा से भी कांग्रेस की सरकार बनाएंगे।